हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर इज़ वन ऑफ द कॉमनेस्ट डिजीज इन द वर्ल्ड और अक्सर लोग मेडिकेशंस की तरफ जाते हैं, लेकिन अगर आपको इनिशियली हाइपरटेंशन डायग्नोज हुई है या बाद में भी आप अगर वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस अपनाएं यानी कि अपनी रोज़मर्रा रूटीन में कुछ चेंजेस लेकर आएँ और अपनी डाइट के अंदर कुछ चेंजेस लेकर आएँ तो आप हाइपरटेंशन को उसी वक्त ही रोक सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको उन लाइफस्टाइल और डाइटरी मॉडिफिकेशंस के बारे में बताऊंगा जिनकी मदद से आप हाइपरटेंशन को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हाइपरटेंशन के पेशेंट्स को करनी चाहिए वो ये है कि उनको लो सॉल्ट डाइट का इस्तेमाल करना चाहिए। आमतौर पर हम सब लोग पाकिस्तान में चूँकि हम लोग नमक भी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो 10-12 grams आमतौर पे लोग इस्तेमाल करते हैं जो कि बदपरहेजी करते हैं, और हमें लो सॉल्ट डाइट में हमने एम करना है कि 6 gram पर डे से आप कम सॉल्ट इस्तेमाल करें। आइडियल तो यही है कि आप 3-4 grams से ज़्यादा ना इस्तेमाल करें, लेकिन 6 grams पर डे से आपने सॉल्ट कम इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा आप कैफीन जो होती है उसको आप अवॉइड करें। कैफीन कॉफ़ी के अंदर प्रेजेंट होती है तो वो भी आपके ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी ऐसी हैबिट्स होती हैं जिस तरह के स्मोकिंग है। इफ़ एनीबडी इज़ स्मोकिंग सो आइदर दे शुड स्टॉप स्मोकिंग और दे शुड ग्रेजुअली रिड्यूस द नंबर ऑफ सिगरेट्स पर डे एंड इवेंचुअली स्टॉप स्मोकिंग। अल्कोहल कंजम्पशन, अगेन अगर कोई अल्कोहल कंजम्पशन कर रहा है या कर रही हैं तो अपने आप उसको भी रिड्यूस करते करते अल्टीमेटली स्टॉप कर दें। इसके अलावा आप मेक श्योर करें कि आपकी डाइट में मैक्सिमम पोर्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यानी कि फलों और सब्जियों का इस्तेमाल अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा करें। इन सारी चीज़ों को मॉडिफिकेशंस को अपनाने से आप वज़न भी कम कर सकते हैं, और वज़न कम करना इटसेल्फ जो है वो भी हाइपरटेंशन की प्रोग्रेशन को प्रिवेंट करता है। आई एम श्योर आप इन सारी चीज़ों को जो मैंने आपको बताई हैं इनको अपनी डेली रूटीन में ऐड करेंगे और आप हाइपरटेंशन की प्रोग्रेशन को प्रिवेंट करेंगे। वज़न कम करने से रिलेटेड बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं, आने वाली किसी ना किसी वीडियो में मैं आई विल बी टेलिंग यू अबाउट दैट एज वेल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, टेक गुड केयर, अल्लाह हाफिज़।